पत्नी का नाम था। श्रवण कुमार अपने माता की माता पिता की सेवा तनमन से किया करता था, लेकिन विद्यावती अपने सासू ससुरों के साथ में कपट किया करती। एक हांडी जिनके दो परत थे, एक परत में खीर पकाया करती थी, एक परत में खटी राबड़ी। खटी राबड़ी अपने सासू ससुरों को खिलाया करती थी, खीर खुद खा लिया करती थी और अपने पति श्रवण कुमार को खिलाया करती थी। जब इस कपट का श्रवण कुमार को मालूम चला तो सिर पकड़ के रोने लग गया कि तूने मेरी सारी भक्ति माटी में मिला दी। एक हांडी दो पड़त बना के गर्दी डूबा डेरी, अकल बिगड़ की
इस कपट का श्रवण कुमार को मालूम चलता है तो सिर पकड़ के रोने लग गया कि तूने मेरी सारी भक्ति माटी में मिला दी, लेकिन इस कर्म इस पाप का फल तेरे को भोगना पड़ेगा। श्रवण की पत्नी विद्या कहने लगी, पति देव मेरे को माफी दो। भगत श्रवण अपनी पत्नी विद्या को माफी देकर वहां से चल देता और अपने अंधे माता पिता के पास में चला जाता है। अंधे माता पिताओं को तीर्थ करने की इच्छा जाग रही थी तो अपने बेटे श्रवण से खड़े लगे, अरे बेटा मन में लगन लगा ली रे, तीर्थ प्रति स्नान करण की इच्छा जागी रे।
को तीर्थ करने की इच्छा जाग रही थी तो भगत श्रवण करने लगा, मेरे को कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़ जाए लेकिन मैं आपको सारे तीर्थ स्नान कराते रहूंगा। तो भगत श्रवण बड़े ही चाव से एक कावड़ बनाने में जुट जाता है। अरे कावड़ एक बनावन लाग्या, अरे मन ही मन हर सावन लाग्या, खुशी के आंसू आए थे। ओ भगत श्रवण कावड़
उठा करके चल देता है, तो उसके घरवाली पत्नी विद्या वो करने लगी, हाथ जोड़ कर विद्या बोली कभी साथ में चालू। समझाता है कि तू हमारे साथ नहीं चल सकती। अरे मत साथ चाल तू मेरी अगना बात सुनू मैं तेरी, तू सुन ले मेरी नार पिया जी मैं भी चाल तो सुन ले।
माता पिता को कावड़ में बिठाकर फिर कराता हुआ ले जाता है। चलते चलते मेरठ की सीमा में आ जाता है। मेरठ की भूमि में प्रवेश करते ही श्रवण का मन बदल जाता है और कावड़ को वहीं धरनी पर रख देता है और खाने लग गया, इतनी कड़ी मेहनत मजदूरी करूं तो किस लालच में करूं, मैंने जो परिश्रम किया है मेरे को इसकी मजदूरी दे दो तो आगे चलूं, वरना मेरे बस की बात नहीं। वो क्या एक धनी के दो लड़की ही दोनों ने तोती बोली आ वही तो बाकी साग समंदर आ गया तो बाने बोल दियो भाई कि ते भाई बोलियो मत सगाई करवा राजा तो मैं आ गया नहीं हो पतो लाग जागो कि दोनों तोती बोल रही भाषा बोल रही तो सगाई छूट जाएगी। अब सगाई यार आ गया तो वह दोनों बहाने बैठी जना कोई एक जानवर सो चाल रहे हो जना भाई एक बोली देख भाई तीरी जना दूसरी बोली तीरी थोड़ी है बोली मतोरो है जना अगला मेहमान पतो लाग्यो कि भाई ये तो दोनों तोती है तो सगाई से भी थोड़ो सो घबरा के चलियो गयो। अरे मात पिता सु कर्जा मांगयो श्रवण राज कुमार कावड़ दिकंद सुतार I'm not afraid of the dark.
ये माता पिता खाने लगे बेटे, माता पिता समझ गए भाई इसमें इसका दोष नहीं है, सारा दोष इस भूमि का, ये भूमि बेकार है। तो कहने लगे जब श्रवण के मन की जाने खाने लगे बेटे, मजदूरी तेरे को जरूर मिलेगी लेकिन थोड़ा आगे चलने के बाद, यानी भगत श्रवण कावड़ उठा करके चल देता है और मेरठ की सीमा को पार कर जाता है और अयोध्या की भूमि में प्रवेश कर जाता है। अयोध्या की भूमि में प्रवेश करते ही श्रवण का मन बदल जाता है, विचार भावना पहले जैसी बन जाती है, तो अपने माता पिता के चरण पकड़ करके रोने लग जाता है। बताया ये भगवान के जुल्म हो गया, चल देता है। चलते चलते अयोध्या के घोर जंगल में श्रवण के माता पिता को प्यास लगती है, खाने लगे अरे बेटा श्रवण पानी डो पिलाए, प्यास बड़ी भारी लगी, बेटा श्रवण पानी डो पिलाए, प्यास बड़ी भारी लगी, बेटा श्रवण पानी डो पिलाए, प्यास बड़ी भारी लगी, बेटा श्रवण
बेटा हमको प्यास सतारी, श्रवण सुख है आज्ञाकारी, श्रवण सुख है आज्ञाकारी। रहे माता पिता घर माए बड़ी भारी लगी, रहे माता पिता घर माए बड़ी भारी लगी, बेटा सर पास में जाता है, उधर राजा दशरथ को दो दिन से कोई शिकार नहीं मिल रही थी। श्रवण जल की जारी को पानी में डुबोता है और पानी भरने की आवाज पर राजा दशरथ ने शब्दभेदी बाण चला दिया। श्रवण की छाती में जाकर लग जाता है। श्रवण हाय माता हाय पिता, हाय माता हाय पिता चलाने लग जाता। उधर राजा अपना सिर पकड़ करके बैठ जाता कि ये तो तेरे हाथ से कोई इंसान मारा गया। लेकिन राजा दशरथ अपने दिल को कठोर करके श्रवण के पास में पहुंचता है। श्रवण की छाती से जाकर के तीर को निकालता है। सजनों, श्रवण राजा दशरथ और श्रवण भगत श्रवण आपस में मामा भांजा भी थे। भगत श्रवण करने लगा, मामा श्री जो होना था वो हो चुका, अब थोड़ी दूर पर मेरे अंधे माता पिता प्यासे बैठे हैं, उनको पानी ले जाकर जरूर पिलाना और पानी पिलाने से पहले अपना नाम मत बता देना, वरना वो प्यास के मारे ही तड़प तड़प करके मर जाएंगे। सजनों, इतना कहते ही श्रवण के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। उधर राजा दशरथ जल की जारी लेकर के अपने दिल को कठोर करके श्रवण के माता पिता के पास पहुंचता है। श्रवण के माता पिता कहने लगे, बेटे तूने इतनी देर कैसे लगाई और तू बोलता क्यों नहीं? तो कहने लगे,
बहुत देर गई बीत तेरे इंतजार में बेटा, पानी लेके आया तू घड़ी देर में बेटा, पानी ले बोला।
इस दुनिया से मावदपुरी का राजा दशरथ हूं और शिकार की तलाश में नदी किनारे छुप कर बैठा था। दो दिन से कोई शिकार नहीं मिल रही थी, रात अंधेरी थी। श्रवण के पानी भरने की आवाज पर मैंने शब्द वेदी बाण चला दिया, श्रवण की छाती में जाकर लग गया, श्रवण मेरे हाथों से मारा गया। सजनों इतना सुनते ही श्रवण के माता पिता हाय श्रवण चिल्लाने लग जाते हैं और क्रोध में होकर के राजा दशरथ को श्राप देते हैं कि आज हम हमारे पुत्र की याद में तड़प तड़प करके मर रहे हैं, वैसे तू भी तेरे पुत्र की याद में तड़प तड़प करके ही मरेगा। इतना कहते ही श्रवण के माता पिता के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। बताया भाई मेरा तो दीपक बुझ गया, पर राजा तू भी पछताएगा। पुत्र होंगे चार तेरे पर काम एक ना आएगा। पुत्र होंगे चार तेरे पर काम एक ना आएगा। पुत्र की भगता राजा भाई तुझे पता लग जाएगा। हाय बेटा खेता ही मर जाएगा। हाय बेटा भगवान की जय। गंगा माई की